चाहूंगा बेटा बताऊंगा। बोलो किसानी के कार्य में कोई फायदा ही नहीं, जमींदारी करने का मजा ही नहीं आ रहा है। क्या किया जाए चाचा? वो रास्ता हम बताएंगे। हाँ बताओ। इधर आओ नजदीक। रास्ता वो है कि जिससे 4 पैसे का फायदा हो। अच्छा। हाँ तो आप तो आपकी जमीन कितनी है? हमारे पास हाँ। हमारे पास जमीन तो कम से कम 70 बीघे यानी 14 एकड़। तो मजा आएगा। बेटा एक काम करो। बोलो। हम 60 कट में बता रहे हैं। अच्छा रास्ता बताओ। जितनी जमीन है हाँ सब बेच दो। क्या चाचा? सुनो मेरी बात। चिंता करो क्योंकि हमारे दोनों के बीच में कोई तीसरा आने वाला है।
और आप चिंता देखो तुम अगर जेल चले जाओगे मैं तुम्हारे बिना एक एक पल कैसे बिताऊंगी कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना। ये तो सच बात है कमला, लेकिन क्या करूं वो साला हमारे जाजा और जमीन के चक्कर में। देखिए जमीन हमारी है और जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक किसी की औकात नहीं को वो ले ले। हाँ, ये तो सच बात है। हम लोग इसे बेचना नहीं चाहते हैं तो कैसे बेचेंगे इसे? कभी नहीं। लेकिन आप बिल्कुल परेशान ना हो, अगर कहीं मार देते तो न जाने क्या हो जाता। चलो ठीक है, चलो आराम करे फिर वो इतनी गुस्सा ठीक नहीं होती है। ठीक है, मैं आपकी सारी बात को मानता हूँ, अगर आप रोकते नहीं तो चाहे मुझे जेल में सारी जिंदगी चक्की पीसना। अरे नहीं नहीं, कहते हैं सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है और जो इंसान सब्र करते हैं उन्हें ऊपर वाला रास्ता भी अच्छा दिखाता है। ये तो सब। और देखो गुस्सा ठीक नहीं होती, कहते हैं गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होती है। ऐसा खुशी से किसी से खफा ना हुआ करो, खास करके मुझसे। कमर एक दूसरे से ठाकुर बहुत ही गजब कर दिया आपकी बात से वो इंकार।
हमने कहा 6 पैसे दिए जाएंगे, सारी जमीन अपने नाम लिखा। पहले तो मैंने कहा परेशानी में कोई फायदा नहीं है, लेकिन जब धीरे धीरे हमने कहा जमीन बेच दो लिख दो, उसने इनकार किया तो हमने सोचा ठाकुर साहब का नाम बता दे तो डर जाएगा। अरे जब आपका नाम बताया, अरे फावड़ा लेकर हमारी तरफ, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? तुम भाग गए वहां से? वो हम जान बचा के भागा। तुमसे हमने कह दिया था ना एक नंबर है तो फिर पेंडर जो रणवीर है उसमें सारे फंस गए। फैसला मेरा सुनो, हमने क्या सोच रखा इसके बारे में और करना क्या चाहते हैं इसके फैसले के लिए? जल्दी सोचो लाला मुनीम। जो कल्याण चलो तुम दो लगा है आज खरी
क्या बता रहे हो? ये बताओ, तुम्हारा पैर अगर मिस्किल जाएगा तो तुम लंगड़ाओगे नहीं, तो का सीधे सीधे चलोगे? तुम्हारा पैर मिस्किल गया? अरे यार, दौड़ते हुए आ रहे थे, ऊंचा खाली में पैर पड़ गया, इसीलिए मोच खा गया। अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी बैठा रहे थे गांव में? नहीं, हम बैठो ना ही। यार क्या वो हाथ बड़ा रहा है तो बैठो, तो वो बैठो कहेगा पहले पता लावा जब कटोरे में अपना तेल तो देखे तेल तो हमसे जैसे धरो मली लगाई तेल तो कह बैठारी तो मनमा हम सोचे की उसार बनो काम तो असल स्वास्थ्य सोच रहा है तो हालाय हाँ सोच हलाई तो रही हो तो हम कहना अच्छा रुको तो नहीं जाए हम तो साफ फिर ये भेज थी और वहाँ से हम फिर भागत घर आए चले तो फिर बैठवाओ नहीं गए फिर कुछ अस्पताल में पट्टी उट्टी बंद हुआ दवा करा लिया फिर बैठवाओ ही नहीं गए। ठीक है, लेकिन वो तो आज बड़े साहब नहीं दिखाई रहे हैं। थाने के इंचार्ज होता और को सबसे बड़े तुम हो? अरे गुड मॉर्निंग, हम नहीं जानी रहन के यार थाने के तुम बड़े से इंचार्ज हो, अगर वो आई है तो सामने से कही हो। क्यों नहीं? पक्का? पक्का, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। चलो यार कुछ गप मारो। सुनाओ यार, यानी तुम मुजरा सुनते हो? बहुत थाने में मारे जाओ? अरे साहब, यही है तो यही हो जी का गप कौन चीज होती है? गप आप जानते हो? गप? हाँ। अरे यार गप और सब हम बहुत जानी थी यार, गप सब सुनाया, गप सब सुनी हो? हाँ। क्यों बताओ, गप गप सुने में तीन जने लागत है हो दुए जने या तीन जने? हाँ, यानी तब तक तीन जने हो जाओगे जब तक तुम गप सुने हो। हाँ? तब तक साहेब आ जाए तीन जने हो जी तो हमारे का साहेब आ जी तब हो गया तो हमारे का तले कोनो मजरे मार लियो और तले आराम से गाय बजाय दिन जाए और तले जने साहेब ये तले हमारे तो मजरे पूर्ण हो। हाँ हाँ, यह हुआ सही है। तो गाओ कि हम गए मुझसे सुने ना, आज पहली बार डेढ़ साल बाद संपर्क पड़ा। हाँ हाँ, तुम सुनाओ। ठीक है, हम करेंगे। सुनाओ सुनाओ सुन। ऐसे की हमारी बुलाई जा रे, बुलाई जा रे, आने को Yeah.
घंटी खा तो नहीं पाई उसने। मजरा सुना मजरा सुनते भैया सुना बहुत बनाई रहा है यो कमर ले जियो ये भागी हम यह बात सोचे दिमाग लगाए मैं पर हूँ कर रहा है कि यहाँ और क्या तो हम कहा लागे अच्छा तुम यह दिन रुको और कमर हम ले जाएगी तो हम गए हम चले गए नू है दिन बैठ रहा वो है दिन बैठ रहा हम कमर भर से लेके आए तुम्हारा इंतजार करता होगा वो भोजन का चौकदार होगा साहब चला जा तो जान ही हो तो तुरंत माफी चलो चला जब आओ तो भाई जान ना पाओ तो तुरंत बताए होते तुमने तो आप मुझे चला जाता चला नहीं गया होगा तो जान गए जब कमर लेके आई गए तब उनका चलता हूँ यहाँ लेके हम चल दिया और जब लेके चल दिया कहीं दूर चला और देखिए सारू भाग ही पड़ा यानी कि तो तू भाग लिया भाग ही लिया उसके बाद तुमने क्या किया वो जब भाग ही लिया तो कुछ देर तक तो हम उनकी राह देखा दिया और यानी कि जब तू भाग गया तो उसकी राह देख के भोजड़ी क्या कहीं देखी सही तो लौटी सारा वो अब वो जब भागा चला जाए हम रखता वो चले थे रखता वो चले थे कहीं जोर लगाए के यहाँ दौड़ाए उनका हम तो धीरे 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 उनके हम नेहरे आए गए पहुँच गए फिर पकड़े चक्कर में यहाँ अब अच्छे पर आई गए क्या वो जोर लगाए साहब अच्छे पर आई गए फिर उसके बाद फिर जब जोर लगाए कथी कहे हमसे पकड़ तो ले कर तब अच्छे पर आई गए और फिर जब जोर लगाने कथ गए तो साहब हम अच्छे पर आए जब अत्ता बचा तो हम कह अब हम कहे जोर लगाई अत्ता तो साहेब पकड़ ले मजाक कर रहा था नाम क्या था रे नाम क्या था अरे मौसमी काम किससे कर रहे हम कहेंगे तो हमसे कहा
चौकीदार मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, ये बताए इस वक्त तुम्हारा लथिया और पगड़ी सा बना भैया ये का नहीं खोली धर लो तुम खोली धर लो भाई चतुर्वेदी अब पुटे भैया बैठी हो हवलदार चतुर्वेदी ये तुम क्या तमाकू बना रखे या कूड़ा का बड़ा बना है खाने में तमाकू गधा नहीं गधा तो हम तो इंसान ये तमाकू खाना इसमें खाने में कूड़ा का बड़ा बनाना पड़े बहुत अच्छा लगता है हम गंदगी नहीं करें अगर तो महिला कहीं का और जब थाने के बाहर निकले देव भाई हवलदार चतुर्वेदी तिवारी बता रहा टंटन तिवारी ये हम लठिया और साफा हम दोनों लेकर लठिया साफा लेकर आगे बहुत जरूरी से आगे